अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों हम इस वक्त मौजूद हैं सकरदू में, बल्तिस्तान में। इस तरफ क्वाडू है, ये सकरदू है, पीछे एक कला है। और वेलकम टू द फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज, पाकिस्तान का पहला ऑर्गेनिक गांव, जहां पर अंदर दाखिल होने के लिए कम अज़ कम एक घंटे से ज़्यादा तंग रास्ते से पहाड़ के साथ साथ गुजर कर आना पड़ता है। इस तरफ पहाड़ है और इस तरफ दिखाएं, जरा इस तरफ देखें, दरियाए सिंध बह रहा है। दरियाए सिंध इसके किनारे किनारे बह रहा है। बड़ा ही दुश्वार गुजार रास्ता है, जहां पर आप चल कर आ सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात रींगना भी पड़ता है। मेरे साथ खिज़र बादशाह मौजूद हैं और हम इनसे पूछेंगे ये फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज कैसे है। आप उस आगे जाए। ये पाकिस्तान का ऐसा विलेज है, सकरदू सिटी के साथ खरपोचो पहाड़ है और खरपोचो पहाड़ के दामन में एक विलेज है जिसे ऑर्गेनिक विलेज कहा जाता है। अच्छा। मकामी जबान में इसका नाम है नानसुख। नानसुख यानी कांटों का घर। कांटों का घर, कांटों का घर इसलिए कहा जाता है कि ये यहाँ पे जिंदगी जो है ना काफ़ी मुश्किल से गुजरती है। अच्छा। और ये ऑर्गेनिक विलेज इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जदीद कोई भी चीज़ नहीं है। अच्छा। मोबाइल तो जेब में डाल के यहाँ आप ला सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे जैसे खेती बाड़ी के लिए मशीनरी की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मोटरसाइकिल साइकिल इस तरह की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। ये क्यों नहीं आ सकते यहाँ पर इस तरफ? रास्ता बहुत तंग है, संगलाख पहाड़ है, पहाड़ को अच्छा। काट के बड़ी मुश्किल से एक बंदे के गुजरने का रास्ता बना पड़ा, मुश्किल रास्ता है। और इस रास्ते से कोई भी जदीद मशीनरी चीज़ नहीं गुजर सकती। इस पहाड़ का नाम क्या है? खरपोचो पहाड़। खरपोचो, और ऊपर कला कौन सा है उसका नाम क्या है? वो भी खरपोचो फोर्ट के नाम से मशहूर है। खरपोचो फोर्ट, यहाँ पे जो बादशाह होता था वो सकरदू पे, ये उसकी हेड बैक साइड है, ये उसकी बैक साइड है। और इस गांव के अंदर आप देखेंगे कि जिंदगी जो है ना वो सदियों पुराने तौर तरीके से गुजर रही है। जी क्यों ना हो, क्योंकि जदीद की टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ नहीं सकती, इसीलिए लोग अपने वही पुराने तरीके से जिंदगी को कंटिन्यू रखे हुए हैं। सही, हाथों से हल चलाते हैं, उसी तरह की खेती बाड़ी करते हैं और पुराने तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि इनके बच्चे आप बड़ी मुश्किलों से मेहनत करके जाते हैं, सकरदू में तालीम हासिल करते हैं, बहुत सारे उनको आने जाने में बड़े मसाइल है। एक घंटा पैदल चल के जाता है बच्चा, फिर एक घंटा चल के आता है, बल्कि ज़्यादा देर लगती है। जी नाज़रीन, आगे हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज जो है, आज हम उसका जायज़ा लेंगे, वहाँ पर लोग किस तरह गुजार रहे हैं, फसलें कैसे उगाते हैं। हमारे साथ रहिए, चलते हैं अंदर।